हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का हम रिवीजन कर रहे हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं एबीसी एनालिसिस। अब आप सोचेंगे, सर एबीसी एनालिसिस है क्या? तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी इन्वेंट्री कंट्रोल की। उन टेक्निक में सबसे फर्स्ट जो टेक्निक थी जो इन्वेंट्री कंट्रोल की, वो थी एबीसी एनालिसिस। तो एबीसी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि जो आपका स्टॉक है, जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं, उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है जिसका नाम है एबीसी एनालिसिस। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मैं पहले आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ, कुछ स्ट्रक्चर से समझाने वाला हूँ, एक जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। तो देखिए, किसी भी स्टोर के अंदर, तो मैं यहाँ पर एक स्टोर बना लेता हूँ, ये हमारा एक स्टोर है, ठीक है। इसके अंदर हम मटेरियल रखते हैं, तो इस स्टोर के अंदर तीन तरह का मटेरियल है, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तीन तरह का मटेरियल है इस स्टोर के अंदर। एक है ए कैटेगरी का, एक हमने कर दिया चाह मान लेते हैं बी कैटेगरी का, और एक हमने कर दिया यहाँ पर सी कैटेगरी। अब ये तीन तरह की कैटेगरी का, तो इन्वेस्ट तीन कैटेगरी का स्टॉक यानी कि मटेरियल तो है स्टोर के अंदर, जो तीन कैटेगरी का मटेरियल तो है, बट ये मटेरियल में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर होने वाला इन्वेस्टमेंट। हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर 70% मटेरियल जो यूज होता है वो कौन सा होता है? ए कैटेगरी का मटेरियल। यानी कि अगर हमें 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदना है, 70,000 का कौन सा खरीदना पड़ेगा? ए कैटेगरी का। और 20% मटेरियल कौन सा खरीदना पड़ेगा? बी कैटेगरी का। और 10% मटेरियल कौन सा खरीदना है? सी कैटेगरी का। अगर हम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें कुछ एक प्रोडक्ट बनाना है जिसमें तीन कैटेगरी का मटेरियल यूज होता है, ए बी सी, ठीक है। तो अब आप देख के देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई फर्नीचर का बनाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट वहां क्या होगा? लकड़ी, टिम्बर। तो टिम्बर पे हमारा सबसे ज्यादा खर्चा आएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होगा? उसमें लगने वाली जो नेल्स होती है, जो कीले वगैरह होती हैं, है ना वो। और उसके बाद जैसे फेविकोल वगैरह भी यूज होता है, जो ग्लू यूज होता है फेविकोल, ठीक है, वो 10%। अब ये मैंने परसेंटेज किस हिसाब से दिए? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिए। फर्नीचर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? टिम्बर। तो मान लेते हैं हम अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मेरा 70,000 रुपए का तो टिम्बर आएगा, और मेरी ये कितने की आ जाएगी? ये 20,000 रुपए की, मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और फेविकोल आ गया 10,000 रुपए का, ठीक है, एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूं। तो आप समझ गए होंगे, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने परसेंटेज दिए कि कौन से मटेरियल को खरीदने में सबसे ज्यादा खर्चा आने वाला है, वो है ए मटेरियल को, फिर बी मटेरियल को, और फिर सी मटेरियल को। तो इस केस में हम क्या करते हैं पता है? सबसे कम पैसा कहां लगना है, कौन से मटेरियल को खरीदने में सबसे कम पैसा लगना है? सी। तो इसको बार बार नहीं खरीदेंगे, एक बार में खरीद के रख देंगे, बहुत सारा, ढेर सारा एक बार में खरीद के रख दो, इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये वैसे भी 10% खर्चा आता है। अगर हमारा 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख रुपए लगने हैं, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10,000 रुपए लगने हैं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 1,000 रुपए लगने हैं, 1,000 का इन्वेस्टमेंट है तो 10 रुपए लगने हैं, ओनली 10%। तो इसको हम बड़ी मात्रा में खरीद के रख लेते हैं, बड़ी क्वांटिटी में इसको हम बाय करके रख लेते हैं, तो इस पे हमें कोई ज्यादा ध्यान वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इसको बाय कर लो, और इस पे कोई ज्यादा कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है, इस पे कोई कंट्रोल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, एक साथ बाय कर लो, इसकी कॉस्ट को ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, एक साथ खरीद लो। बाकी फिर बच गया हमारा बी मटेरियल, इस पे हमारा जो खर्चा आता है वो कितना आता है? 20%। तो इसको भी हम ज्यादा कंट्रोल तो नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है, इसको भी कुछ क्वांटिटी के अंदर बाय करके रख दो, लेकिन ज्यादा लो कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं, इस पे तो कंट्रोल ही नहीं, इस पे लो कंट्रोल, थोड़ा सा कम कंट्रोल रखो, इसके ऊपर कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मेन हमारा है ये, इस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, इसको एक साथ नहीं खरीदना है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद लो, 70% खरीद लो, इसको 20% ही खरीदो, और इसको ओनली 10% ही खरीदना है, क्योंकि बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है, तो इस पे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, सोच समझ के इसको बाय करने की जरूरत है, एक साथ नहीं खरीदना है।
समझ में आ गया। तो ये होता है एबीसी एनालिसिस। तो क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो इसको केवल 10% बाय करना है, इसको 20% बाय करके स्टॉक में रखना है, स्टोर में रखना है, इसको 70% बाय करके रख दो। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो 70% खर्चा इस पे लगता है, इसलिए इसको कम मात्रा में खरीदो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लग जाएगा, आपकी कैपिटल वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। और इसको 20% इन्वेस्टमेंट लगता है तो ठीक है 20% खरीद के रख लो, इसमें 10% में ही बहुत सारा आ जाएगा, तो इसको एक साथ खरीद के रख लो। तो ये होता है एबीसी एनालिसिस। इसके जरिए जो मेटेरियल है उसको एबीसी तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर लिया जाता है। फिर जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है, उसको थोड़ा खरीदो, 10% खरीद लो। फिर एक मिड में आ जाता है, फिर थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, उसको 20% खरीद लिया। और एक ऐसा है जो बिल्कुल सस्ता है, उसको ज़्यादा मात्रा में खरीद के रख लो। ये होता है एबीसी एनालिसिस टेक्निक। इससे मेटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। अब ये जो मैंने बताया ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मैं फटाफट रीड कराता हूँ। एबीसी एनालिसिस इज ए सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इट एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेट, यानी कि डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कंट्रोल ओवर द डिफरेंट आइटम ऑफ स्टोर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है उसको कम मात्रा में खरीदना, जिस पे बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीद लेना, जो बीज का है उसको उस हिसाब से खरीदना है, ठीक है। ओके, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल था, 12th क्लास के अंदर था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी कि मैनेजमेंट को केवल उन्हीं चीजों पे ध्यान देना है, उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो एक्सेप्शन है। ओके, इसके अलावा यूजली इन तीन तीन कैटेगरी में बांटा गया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। यहां पर यही बताया हुआ है कि ऐसा मेटेरियल जिसपे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, जैसे 70% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर, तो उसको केवल 10% ही बाय करो, और इस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक यूज़ करेंगे, फिक्स स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीओर्डर लेवल, और अगले लेक्चर में आने वाला है ईयूक्यू वगैरह क्या होता है, वो सारी कंट्रोल टेक्निक यहाँ यूज़ करनी है। बी कैटेगरी का जो होता है उसमें 20% ही इन्वेस्टमेंट का खर्चा आता है, तो उसको 20% क्वांटिटी में बाय कर लो, और इसमें मॉडरेट रहना है, ना ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत है और ना कम, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया, एक मॉडरेट रहता है। सी का मतलब है ये टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका 10% खर्चा आता है, तो इसको बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करके रख लो एक बार में, और इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। 6-7 महीने में एक बार जाके चेक जरूर कर लेना चाहिए। सो ये थी एबीसी एनालिसिस टेक्निक। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी दे रखी है। एडवांटेजेस ये होगी कि इससे क्या होगा, आपका जो कंट्रोल है वो इफेक्टिव रहेगा ए कैटेगरी पर, जिस पे लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना भी चाहिए। और इसके अलावा जो फालतू के कैटेगरी के आइटम्स होते हैं वहाँ पर अपना आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका, और एंश्योर मिनिमम टोटल कॉस्ट भी आप इंश्योर कर सकते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट पे ध्यान दे सकते हैं, और इट हेल्प द मेंटेन हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट, से हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेट भी मेंटेन रहेगा। तो ये था एबीसी एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और रिवीजन तो चल ही रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।